हेलो दोस्तों, कोर्स और करियर के इस वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली पेरेंट्स के ऊपर। ये वीडियो है पेरेंट्स ही अपने बच्चों को आलसी बना रहे। जी हाँ, ये टॉपिक आज का जो हमारा टाइटल है बेसिकली यही है। हम जानेंगे कि पेरेंट्स कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल हैं अपने बच्चों को आलसी बनाने में, या उनके जो बच्चे हैं अगर अभी तक सेटल नहीं हुए हैं और एक एज उन्होंने क्रॉस कर दी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स है। इंडिया में अगर हम बात करें, जनरली देखा गया है कि पेरेंट्स जो होते हैं बहुत ही फैसिलिटी अपने बच्चों को देना चाहते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए। लेकिन टू मच अगर जहाँ पर फैसिलिटी मिलती है, बच्चों को कंफर्ट में रहने की आदत पड़ जाती है, तो फिर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि वो किसी भी स्किल पे काम ना करते हुए भी और ऐसे ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। अब बात ये आती है कि अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है, आप किसी पर्टिकुलर स्किल पे ना काम कर रहे हैं, तो फिर आपको जॉब कहाँ मिलेगी? ना ही तो आपको कोई जॉब देगा और ना ही आप सेटल हो पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरेंट्स की उन पांच चीज़ों पर। अगर वो पांच चीज़ें पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली उनके जो बच्चे हैं वो बहुत जल्द सेटल होंगे और उनकी इम्पोर्टेंस भी समझेंगे। तो पहली चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, वो है स्मॉल अचीवमेंट को सेलिब्रेट कराना सीखें। मान लें कि आपका बच्चा 6-7 स्टैंडर्ड में है और उसने कोई भी अचीवमेंट किया है, हो सकता है क्लास में फर्स्ट आया, हो सकता है टेस्ट में फर्स्ट आया हो, तो ये आपको होना चाहिए कि आप उसकी इस सक्सेस को, इस अचीवमेंट को उसके साथ में सेलिब्रेट करें। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? उस बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आगे की चीज़ें भी वो उसी तरीके से करने की कोशिश करेगा। अगर आपने आज उसको 6th स्टैंडर्ड में उसकी अचीवमेंट पे सेलिब्रेट किया है, तो उसके अंदर ये चीज़ आने लगेगी कि अगर मैं नेक्स्ट क्लास में भी फर्स्ट आता हूँ तो मम्मी या पापा मेरे साथ इस सक्सेस को भी सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट करने के बहुत तरीके होते हैं, वो किसी अदर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ आप बाहर पिकनिक पे जा सकते हैं, एक ट्रीट दे सकते हैं, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है वर्क ऑन न्यू आइडिया। अब ये काम आपको करना है। आप कैसे करेंगे? आप मान लीजिए एक बच्चा है आपका 13 से या टीन एज में है, वो तो टीन एज में क्या होता है, जो आइडियाज होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। उसके माइंड को आपको बिजी करना है। बिजी किस में करना है बेटा? आपको उससे बोलना पड़ेगा कि आप किसी पर्टिकुलर आइडियाज पे काम करें या हमें नए आइडियाज बताएं। फॉर एग्जांपल आपने कह दिया बेटा कोई अच्छे आइडियाज बताओ जिससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। आपने उसके माइंड को बिजी कर दिया किसी पर्टिकुलर आइडियाज को खोजने में। अब वो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन लगाएगा और डेफिनेटली आपको रिजल्ट देगा। इट मे बी कि वो आपको रिस्पॉन्ड ना कर पाए दो दिन, तीन दिन, चार दिन के बाद, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको रिमाइंड कराएं, आप उससे पूछें कि आपको जो हमने एक काम दिया था, एक आइडिया सर्च करने का, उस आइडिया का क्या हुआ? क्या आपके पास कोई आइडिया मिला आपको जिससे हम एक पैसे कमा सकते हैं, आपका अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? ये चीज़ें आपको उसके अंदर डालनी पड़ेंगी। इससे उसकी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगा, थॉट प्रोसेस में वो डीप डिस्कशन करेगा। हो सकता है कि वो उन चीज़ों के बारे में अपने फ्रेंड से डिस्कस करे, इट मे बी वो अपने टीचर से डिस्कस करे, इट मे बी हो सकता है वो मार्केट में जब जा रहा है या घूम रहा है तो उन चीज़ों पर गौर करे और वहाँ से भी वो आइडियाज ले सकता है। ये उसकी हेल्प करेगा किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने में, तो यहाँ से उसका ऑब्जर्वेशन डेवलप होगा। तो ये चीज़ जरूर करें एज अ पेरेंट्स, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम है। तीसरा जो पॉइंट है हैबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखें यहां पर मैं इन्वेस्टमेंट की बात, अगर हम बात करें बच्चों को लेके, तो मैं किसी पैसे को इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा। पैसे आपको इन्वेस्टमेंट उससे नहीं कराना है। पहली बात तो वो अर्न नहीं कर रहा तो वो पैसे इन्वेस्ट कहां करेगा, नंबर वन। तो फिर कहां करें इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट करना है आपको बुक्स पर। जो भी उसका पॉकेट मनी है, उस पॉकेट मनी से आप उसकी पसंद की किताबें उसको खरीदने की आदत डालें। कुछ ऐसी बुक्स जो पर्सनालिटी डेवलप कर रही हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आप बुक्स ले सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर उसको इंग्लिश लैंग्वेज पे आपको फोकस कराना तो उसकी बुक्स आप ले सकते हैं। जो भी बुक्स उसको पसंद है उन बुक्स में इन्वेस्टमेंट करें,
तो इन्वेस्ट आपका वही कामयाब, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म। जब बच्चा एक बुक खरीदता है, उससे कुछ पढ़ता है, सीखता है, तो लाइफ में कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल इन उसको इंक्लूड जरूर कर लेता है, इन्वॉल्व कर लेता है, और हो सकता है कि वो उसको इंप्लीमेंट भी करे। दूसरा, अगर हम बात करें टाइम इन्वेस्ट करना सीखें, उसको बताएं कि जो आपके पास फ्री टाइम होता है, एक तो आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के बाद आपने घर से होमवर्क किया, इट्स ओके, उसके बाद जो फ्री टाइम है उस टाइम को आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है वो आपको बताना पड़ेगा। इट मे बी, चलिए ठीक है, आपको लग रहा है कि अगर उसका हॉबी है तो उस हॉबी में उस टाइम को थोड़ा बहुत आप इन्वेस्ट करा सकते हैं। अगर हॉबी के अलावा आपको लगता है कि कुछ और है तो उस टाइम को आप कहीं और स्किल्स में उसके इन्वेस्ट करा सकते हैं। कोई छोटी छोटी स्किल्स होती हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, वीडियो एडिटिंग का है, अगर उसको लगता है कि बोलने में उसको हेजिटेशन नहीं होती है तो आप कैमरे के सामने उसके वीडियो बना के यूट्यूब पे उसको अपग्रेड करा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको लगता है कि छोटी छोटी जो स्किल्स को यूज़ करते हुए आप उसकी शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं, ये चीज़ें उसको मोटिवेट करती हैं, प्रमोट करती हैं। उसके बाद उसको बताएं कि टाइम ऑफ वैल्यू क्या है। उसको ये बताना पड़ेगा कि जो टाइम आपके पास है ये टाइम दोबारा लाइफ में नहीं आएगा, जो भी टाइम आपने आज स्पेंड कर दिया है वो दोबारा लाइफ में वापस नहीं आने वाला है, इसीलिए इस टाइम की वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी। विदाउट किसी रीजन आपको यूं ही टाइम वेस्ट नहीं करना है, गॉसिप नहीं करनी है, गॉसिप करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, अननेसेसरी यहां वहां खड़े होकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। जनरली लोग खड़े रहते हैं, घंटों खड़े हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये नहीं करना। आपको ये देखना है कि टाइम की वैल्यू होती है और वो दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती चीजों में से एक चीज है टाइम। दुनिया की सारी चीजें आप खरीद सकते हो लेकिन टाइम नहीं खरीद सकते। उसके बाद अगर हम बात करें सेविंग प्लान, अब देखिए साथ ही साथ मैंने इन्वेस्टमेंट की बात की है तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है ये आपको याद रखनी है। सेविंग प्लान की अगर हम बात करें तो सेविंग कहाँ करानी है आपको, आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट सेविंग उसको करने की आदत डालें। जो भी पॉकेट मनी है आप 100-50 रुपये डेली का देते हैं उसको आदत डालें, बेटा 10 रुपये आप, ज़्यादा नहीं 10 रुपये आप अपना सेविंग करते चले। 10 रुपये उसने पर डे के सेविंग किए तो एक महीने में कितना हो गया 300 रुपये, एक साल में कितना हो गया आप सोचो जरा 3,500 रुपए, 3,600 रुपए, ये समझ लो उसका एक साल में हो गया। अगर 20 साल में होंगे तो कितना हो गया, अगर उसने स्टार्टिंग से किया तो 20 साल में उसका सेविंग कितना हुआ, जरा आप गैस करें, कैलकुलेट करें, ये कैलकुलेशन की वैल्यू होती है। अगर आप रेगुलर किसी काम को करें 10 रुपए नहीं है वो 10 रुपए एक टाइम ऐसा आएगा कई लाख बन जाएंगे और उस बच्चे को पता भी नहीं चलेगा। तीसरा जो लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ वन, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने बच्चों को जब स्लाइक हो जाए, टीन एज से क्रॉस कर जाए तो उनको जॉब के लिए आप मोटिवेट करें। जॉब बहुत ज़रूरी है और जॉब के लिए मोटिवेट करना ही आपको पड़ेगा, उनको यूं ही आपको नहीं छोड़ना है कि आप उनका पॉकेट मनी 18-20 साल के बाद 25 साल के बाद भी आप उनको पॉकेट मनी दे रहे हैं। उनको बोलें कि बेटा आप अपने बेसिक खर्चों के लिए, अपने पॉकेट मनी के लिए कहीं ना कहीं से अर्निंग करना शुरू कर दें। तो ये चीज बहुत जरूरी है। एक चीज एक यहां लाइन में आपको ऐड करूंगा, बच्चों को उनके मेहनत और लगन का जो मीठा फल है उसका टेस्ट आप बच्चों को जरूर कराएं। उसको बताएं कि अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप पैसा कमाते हैं तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही स्वीट है, बहुत मीठा है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप कि आप समझ पाएंगे किस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों को सही ट्रैक पे लाके और उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके और उनके कैरियर बिल्ड करने में हेल्प कर सकते हैं।